हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स खटमल। खटमल मधुमक्खियों के छत्ते की तरह झोपड़पट्टी से भरा प्रीतमपुर नामक यह इलाका सुंदर किंग सिटी में ऐसे बसा हुआ है जैसे मखमल में टाट का पैबंद, जहां लोगों की जिंदगी कीड़े मकौड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे इलाकों में गरीबी और मजबूरी की वजह से रहते हैं। गरीबी और मजबूरी, ये दोनों नाम मानो शर्त लगाकर डेरा जमाए हुए थे शेखर नामक उस युवक के घर में। ग्रेजुएट होने के बावजूद भी जिसे नौकरी नहीं मिल पाई थी, यही कारण था कि 10 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं गया मेरे पेट में। अपना पेट भरने के लिए मैं भीख मांग नहीं सकता, और मेरे शरीर में इतनी जान बाकी नहीं कि मैं चोरी चकारी करके खाने का इंतजाम कर सकूं। अब मुझे भूख से मरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। भूख से बोझिल होती शेखर की आंखों ने अचानक देखा वह दृश्य। स्वाभाविक ही था, शेखर की आंखों में चमक और मुंह में पानी भराना। भूख, खाने की इच्छा ने मानो उसके बेजान शरीर में नई जान फूंक दी। किसी तरह हिम्मत करके उठा वह और छिपकली पर झपटा। लेकिन चीन में सांप बिच्छू जैसे जंतुओं को खाकर जीने वाले भी तो मेरी तरह इंसान हैं। जब वे जहरीले जंतु खाकर जिंदा रह सकते हैं, तो क्या मैं छिपकली खाकर नहीं जी सकता? उफ, निकल गई। उसकी बेदम टांगों ने उसका साथ नहीं दिया, फलस्वरूप उफ, छिपकली भी हाथ नहीं लगी और चोट अलग से आ गई। अरे, धड़ाम से नीचे गिरा वह। तभी चौंक पड़ा शेखर। खटमल, छिपकली नहीं तो क्या, इन खटमलों को खाकर भी तो मैं अपने पेट की आग को शांत कर सकता हूं। और फर्श पर रेंगते खटमलों को समेट लिया उसने, और इन्हें तो पकड़ना भी मुश्किल ना होगा। लेकिन कहाँ शांत होनी थी भला उन खटमलों से 10 दिनों की भूख। मुझे अपनी भूख शांत करने के लिए और खटमल चाहिए। और यहाँ गिजगिजाते हुए सैकड़ों खटमलों का गढ़ ढूंढ लिया था उसने। उफ उफ, उन पर बाज की भांति टूट पड़ा था। ठीक उसी समय बाहर पुलिस पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। जल्दी कोई आड़ ना मिली तो मैं पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊंगा। लेकिन नहीं, बाजीगर पुलिस के हाथ कभी नहीं लगेगा। बाजीगर जुर्म की दुनिया का कुख्यात पेशेवर हत्यारा बाजीगर ही था वो, जो उस मोड़ पर मुड़ने के साथ ही पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। अरे, कहाँ गया? अभी तो यहीं था। इतनी जल्दी वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। देखो उसे, यहीं कहीं किसी घर में छिप गया होगा वह। शेखर के घर के दरवाजे पर जा पहुंचे वे। बाजीगर नाम का एक कुख्यात हत्यारा हमारी नजरों से बच निकला है, कहीं वो तुम्हारे घर में तो नहीं घुस गया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कभी का यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। ओके, हम फिलहाल इसी इलाके में हैं, अगर तुम्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो हमें सूचित करना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। शेखर ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। तब अच्छा हुआ तुमने पुलिस को मेरे बारे में नहीं बताया, अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हारी तरफ तनी मेरी ये रिवॉल्वर एक शोला उगाल कर तुम्हारा क्रिया कर्म कर डालती। मैंने तुम्हें पुलिस से बचा लिया, अब चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा लेकिन अभी नहीं, पुलिस इस इलाके से दफा हो जाएगी तब, यानी जब तक पुलिस नहीं चली जाती मैं तुम्हारे घर में ही मेहमान बनकर। अरे यह अचानक क्या हुआ तुम्हें? दर्द से करारता शेखर दोहरा होता चला गया था। मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? बेवकूफ, मेरे बाहर निकलते ही पुलिस मुझे ऐसे दबोचेगी जैसे चूहे को बिल्ली दबोचती है। डॉक्टर के पास जाने का विचार त्याग दो और यहीं पड़े रहो। शेखर के स्वर में चेतावनी भर गई। तो मैं मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, अगर तुमने मना किया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पुलिस को यहीं बुला लूंगा। जल्दी बोलो, तो तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलते हो या मैं पुलिस को यहीं बुलाऊं? आखिर बाजीगर को हार माननी ही पड़ी। ठीक है चिल्लाना बंद करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, जल्दी करो। बाजीगर ने दरवाजे की झिल्ली से बाहर झांका। बाहर खड़ी जीप में सिर्फ एक पुलिस वाला बैठा है, यानी बाकी मेरी तलाश में निकले हुए हैं, और इस एक पुलिस वाले के होते यहाँ से निकलने का रिस्क लिया जा सकता है। बाजीगर ने तुरंत ही शेखर को सहारा देकर उठाया और आओ मेरे साथ। मेरा गला सूख रहा है, मुझे प्यास लग रही है। लो, एक नई रट लगा दी साले ने। बाहर की तरफ चल दिया वे। लेकिन जैसे ही वे जीप के पास से गुजरे, ए कौन है, जरा पलट तो। हाँ, कारी ढंग से पलटा बाजीगर। मैं हूँ बाजीगर, तेरा बाप। धाक, बाजीगर के नपे तुले वार ने इंस्पेक्टर के होश छीन लिए। बाजीगर ने तुरंत इंस्पेक्टर को पिछली सीट पर ढकेला और स्वयं ड्राइविंग सीट संभाल ली। बैठ जल्दी। प्यास प्यास। शेखर के पीछे बैठते ही बाजीगर ने जीप को तोप से छूटा गोला बना दिया। प्यास प्यास। इलाके के बाहर निकलने के बाद ही बाजीगर की जान में जान आई। अब शक्र बच गया, वरना उसकी प्यास और पेट दर्द ने तो मरवा ही डाला था। अरे, क्या
क्या हुआ जी? थोड़ी देर पहले तक तो बुरी तरह बिलबिला रहा था, अब शांत क्यों बैठा है? शेखर की शांति का कारण जानने के लिए बाजीगर ने जो अपनी गर्दन घुमाई तो कटोरियों से उबलने को उतारू हो गई उसकी आंखें। सनसनी का तूफान दौड़ गया उसके रोम रोम में। ओह नो, कारण था शेखर। वह शेखर जिसके दांत बेहोश इंस्पेक्टर की गर्दन में पैवस्त थे और जो काउंट ड्रैकुला की भांति इंस्पेक्टर का खून पी रहा था। हटो, मैं कहता हूँ छोड़ो से। बाजीगर के चिल्लाने से नहीं, इंस्पेक्टर के जिस्म की एक एक बूंद खून चूसकर ही हटा शेखर। ये तुमने क्या किया बेवकूफ? इंसान होकर तुम एक इंसान का खून पीकर क्यों किया तुमने ये? मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने ये क्यों किया, बस मुझे प्यास लग रही थी और मुझे लगा कि इस इंस्पेक्टर के खून से मेरी प्यास बुझ सकती है, इसलिए मुझे किसी मुसीबत में फंसवा कर रहोगे। अच्छा ऐसा करो, इसकी लाश को नीचे फेंक दो, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। इंस्पेक्टर की लाश को शेखर ने जीप से ढकेल दिया। लाश सड़क से जा टकराई और लाश से जा टकराया उस मोटरसाइकिल का अगला टायर। थाड़! इंस्पेक्टर की ये लाश उस पुलिस जीप से गिरी है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। जिसकी सवार थी श्रिया भास्कर, जो देर रात तक एक महत्वपूर्ण प्रयोग में लगी होने के बाद अपनी प्रयोगशाला से घर लौट रही थी। ऐसे गड़बड़ मामले को देखना श्रेया भास्कर का नहीं, लिजा का काम है। श्रेया भास्कर बन चुकी थी जुर्म के कीड़ों को निगल जाने वाली लिजा। पल भर बाद ही बाजीगर के कानों में गूंजी जैसे सैकड़ों बिजलियों के एक साथ गरजने की आवाज। रुक जाओ! कौन है ये? लेकिन ये मुझे रोक नहीं पाएगी। अगले ही पल लिजा बाजीगर के इरादे भाप गई। यानी इसका रुकने का कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे कैसे रोका जाएगा। गूंज उठी बाजीगर की चीख। जीप के स्टेयरिंग से ही बित कर रह गए थे उसके हाथ। लेकिन गजब का जीवट निकला बाजीगर भी। जीप की रफ्तार में उसने जरा भी कमी नहीं आने दी, साथ ही शेखर पर पड़सा भी है। बेवकूफ, देख क्या रहे हो? मैं अपने हाथों से स्टेयरिंग से अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम रोको उसे। शेखर जैसे सोते से जागा, उठा ली उसने इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर और पीछे वाला गोलियां चला रहा है। थाए थाए! इस बार आई गोलियों की बाढ़ ने लिजा ने बाढ़ से लिजा ने स्वयं को यूं बचाया। थाए थाए! उन दो गोलियों से बचने के लिए तो लिजा ने दिखाया अद्भुत करिश्मा। अब शेखर के हाथ में थमा रिवॉल्वर खाली हो चुका था। ओह, रिवॉल्वर तो खाली हो गया, अब क्या करूं? पिट पिट! तभी शेखर की आंखें चमक उठी। एमिनेशन बॉक्स, इसमें काफी सामान होगा उससे निपटने के लिए। इस स्टेनगन से तो छलनी बनाकर रख दूंगा मैं उसके शरीर को। एमिनेशन बॉक्स मतलब हथियार रखने का बक्सा। दूसरा ही छड़ तड़ाव थी स्टेनगन। उफ, स्टेनगन की गोलियों से बचने के लिए अपनी कला की नहीं किसी ढाल की जरूरत होगी मुझे, और मेरी ढाल बनेगी मजबूत लोहे की वह बास्केट। और उस बास्केट को हासिल करने के लिए मुझे मोटरसाइकिल की सीट को कुछ पलों के लिए बैड बनाना होगा। लिजा की कला का एक और उत्कृष्ट नमूना था वह। एक झटके में लिजा के हाथ में आ गई बास्केट, और तब और अब ढाल बनी हुई थी वह बास्केट। और ढाल ही क्या, हथियार भी तो बन गई वह बास्केट। थाक, आह! बास्केट की चोट से बिलबिला उठे शेखर ने एमिनेशन बॉक्स से इस बार वह हथगोला निकाल लिया। ओह, अब इस हैंड ग्रेनेड से मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन ऐसी कहाँ थी लिजा जो उसे नीचे आने देती? हैंड ग्रेनेड को अपनी जीप में सिर्फ लपेटे ही नहीं रही लिजा, ये हैंड ग्रेनेड ही चूहे बिल्ली के इस दौड़ को खत्म करेगा। एक क्षण बाद ही हैंड ग्रेनेड के साथ ही फटा जीप का टायर भी। लड़खड़ा उठी जीप के स्टेयरिंग से गजब का आत्मविश्वास दिखाते हुए बाजीगर ने अपने हाथ आजाद किए और शेखर कूदो तुरंत ही। उफ, अगर कूदने में जरा भी देर की होती तो जीप के साथ अपने भी परखच्चे उड़ जाते। भाग! तभी थाक! परखच्चे तो तुम्हारे अब भी उड़ेंगे कमीनों, और उन्हें उड़ाएगी लिजा। संभालने के साथ ही अपना अनोखा हथियार निकाल लिया बाजीगर ने। सैकड़ों की गर्दन उतारी है मेरे इस अनोखे हंटर ने, आज जो गर्दन ये हंटर उतारेगा वो तेरी होगी लिजा। साक! धड़ाम से मोटरसाइकिल से नीचे गिरी लिजा और स्प्रिंग की तरह उछलकर बाजीगर से टकराई। लिजा की गर्दन उतारने वाले हथियार का निर्माण नहीं हुआ अभी, दूर जा गिरा बाजीगर। इधर लिजा की एड़ियां सड़क से टकराई और निकल आए लिजा के जूतों से वे खौफनाक हथियार, जिनके वारों ने बाजीगर के हलक से चीखें उबाल दी। बहुत खून बहा है तूने बाजीगर, आज कुछ खून अपना भी बह जाने दे। लिजा के इस वार ने तो बाजीगर की चेतना ही छीन ली। था उफ, मुझे भागना होगा। भागने को तैयार शेखर पछाड़ खाकर गिरा। थाक! भाग कर कहाँ जा रहा है कमीने, अभी तो तेरे गुनाहों का हिसाब बोना बाकी है। शेखर की तरफ बढ़ती लिजा अचानक ठिठक कर रुक गई। उफ, इसके शरीर से तो बेहद तेज गंध निकल रही है, मुझे उस गंध से बचना। ओह, ये मेरे शरीर से कैसी अजीब सी गंध निकली,
जिसने मुझ पर तो कोई असर नहीं किया लेकिन लिजा को बेहोश कर रही है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी लिजा स्वयं को उस तेज गंदे से ना बचा सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। झटका देकर शेखर ने अपने मस्तिष्क को विचारों के भंवर से निकाला। अपने शरीर से निकले विचित्र गंध के बारे में सोचना छोड़कर मुझे बाजीगर को लेकर यहाँ से भाग निकलने की सोचना चाहिए। कहीं लिजा को होश आ गया तो हमारी खैर नहीं। तुरंत ही शेखर बाजीगर को लेकर अंधेरे में गुम होता चला गया। जल्द ही जब लिजा के होश वापस लौटे तो वहाँ कोई नहीं था। अपने शरीर से विचित्र गंध छोड़ने वाला वह शख्स आखिर बाजीगर को लेकर भाग निकलने में सफल हो ही गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, एक मनुष्य के शरीर से ऐसी विचित्र गंध निकल कैसे सकती है? अजीब रहस्य है, मुझे इसकी तह तक पहुँचना होगा। सोचने के सिवा कर ही क्या सकती थी लिजा। जोरदार ढंग से सजे हुए उस भव्य ऑफिस में पड़ी एक शानदार चेयर पर विराजमान बाजीगर के कंठ से निकल रही थी वह गर्व भरी आवाज। दीवार पर लगी देश के जिन बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें तुम देख रहे हो, ये सब वे लोग हैं जिनकी हत्या मैंने सुपारी लेकर की है। यही मेरा शौक है और यही मेरा बिजनेस। अगर तुम चाहो तो इस बिजनेस में तुम मेरा साथ मिलकर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें चाहिए प्यास बुझाने के लिए खून और मुझे चाहिए दौलत कमाने के लिए तुम जैसा खून पीने वाला। वैसे इस काम में तुम्हें सिर्फ पीने के लिए ढेर सारा खून ही नहीं बल्कि मौज करने के लिए ढेर दौलत भी मिलेगी। बोलो क्या कहते हो? वैशीपन के साथ साथ लालच की चमक भी दिखाई देने लगी शेखर की आंखों में। हाँ मैं तुम्हारे साथ ये बिजनेस करने को तैयार हूँ। गुड। एक पल बाद ही बाजीगर शेखर को लेकर एक तस्वीर के सामने खड़ा था। इस नेता का नाम कृष्ण मेनन है। अगर तुम इसकी हत्या कर दो तो हमें सुपारी के रूप में भारी रकम मिल सकती है और तुम्हें मिल सकता है ढेर सारा गरम गरम ताज़ा ताज़ा खून। खून, प्यास, खून। होटल ओवेराय टॉवर्स। श्रेया भास्कर के साथ जिसकी तरफ बढ़ रहे थे नेहा, कोमल, शबाना, रिचा और अक्षय। तुम्हारे बर्थडे की पार्टी शानदार होनी चाहिए अक्षय, वरना मजा नहीं आएगा। पार्टी शानदार ही देनी है, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए फाइव स्टार होटल की 10वीं मंजिल पर एक सूट बुक किया हुआ है, नहीं तो फुटपाथ पर खड़े होकर छोले भटूरे नहीं खिलाए होते। अचानक श्रेया की नजर झा ठहरी उस पर जो शहर के पुलिस डिपार्टमेंट की नाक समझा जाता था और जो था इंस्पेक्टर काले। इंस्पेक्टर काले यहाँ क्या करने आए? कहीं कोई गड़बड़? झटक दिया श्रेया ने अपने मस्तिष्क में आते विचारों को। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, हर समय गड़बड़ के बारे में ही सोचती रहती हूँ। हमारी तरह इंस्पेक्टर काले भी इंजॉय करने आया होगा यहाँ, इसलिए मुझे उससे ध्यान हटाकर अपने साथियों पर ध्यान देना चाहिए। श्रेया का सोचना गलत था, इंस्पेक्टर काले वहाँ इंजॉय करने नहीं अपनी ड्यूटी निभाने आया था। इस होटल की 20वीं मंजिल पर ठहरे हुए नेता कृष्ण मेनन, जिनकी सिक्योरिटी के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, इसलिए मुझे उनके पास जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। होटल की 20वीं मंजिल पर ठहरे नेता कृष्ण मेनन तक पहुँचने की जल्दी सिर्फ इंस्पेक्टर काले को ही नहीं किसी और को भी थी, और वह था शेखर। बस 3 मंजिल और चढ़कर मुझे उस खुली खिड़की पर पहुँचना है, फिर मुझे मिलेगा खून, अपना सूखा गला तर करने के लिए गरम गरम खून, और मुझे मिलेगी सुपारी के रूप में ढेर सारी दौलत। जल्दी ही 20वीं मंजिल पर स्थित नेता कृष्ण मेनन के कमरे में मौजूद शेखर किसी दरिंदे सा प्रतीत हो रहा था। यही है मेरा शिकार। शेखर ने बाज की तेजी से झपटकर अपने दांत नेता कृष्ण मेनन की गर्दन में गड़ा दिए। आह खून, वाह खून। नेता कृष्ण मेनन के नसों से खिंच रहा था खून, और कमाल की बात यह थी कि नेता को उसका एहसास भी ना था। और एहसास होता भी कैसे? खटमल द्वारा खून चूसने का एहसास मनुष्य को तब होता है जब वह खून चूसकर हटता है। अचानक खून पीते शेखर के कानों में बम के धमाके की मानिंग गूंजी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज। कोई आ रहा है, ठक ठक, कोई आ रहा है, इधर कोई आ रहा है, मुझे छुपना होगा। ठीक यही वह पल था जब दस्तक का जवाब न मिल पाने के कारण इंस्पेक्टर काले ने दरवाजे को एक झटके से खोल दिया, और उस समय खुली की खुली रह गई इंस्पेक्टर काले की आंखें जब उसने लाइट चलाई। ओह नो, नेताजी तो अपने बेड पर मृत पड़े हैं। लोमड़ी से सतर्क नजर आने लगा इंस्पेक्टर काले। नेताजी की हत्या हाल ही में की गई है, उनका हत्यारा भी इस कमरे से नहीं निकल पाया होगा, वह यहीं कहीं होगा। फिर कहीं से घूमने लगी इंस्पेक्टर काले की निगाहें उस पर्दे पर अटक कर रह गई। जूते, वही हत्यारा। यंत्र चलित खिलौने की भांति इंस्पेक्टर का हाथ अपनी रिवॉल्वर पर गया और शेखर जान पर खेल गया। सॉरी, लेकिन वह रिवॉल्वर निकालने में सफल हो पाता उससे पहले ही जैसे सांड टकरा गया इंस्पेक्टर काले से। फाक, आ! उछलकर दीवार से टकराया वह और शेखर जान पर खेल गया। वह तो 20वीं मंजिल से नीचे जो छलांग लगा दी थी उसने गोली की तरह इंस्पेक्टर काले बाहर की तरफ भागा। इतनी ऊंचाई से कूदकर शायद ही वह हत्यारा बचे, लेकिन फिर भी मुझे फौरन नीचे पहुंचना होगा। इधर मौत के रास्ते पर जाता शेखर का शरीर अचानक झटका खाकर रुक गया। आ! उफ, दीवार में
ओवर एक खंभे में पर्दा अटकने की वजह से कर अधर में लटक कर रह गया। उफ, बाजीगर को दो जोड़ी आंखों के साथ ही श्रेया की आंखों ने भी देखा था वह नजारा। किसी की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा और उसके लिए मुझे बनना होगा लिजा, और लिजा बनने के लिए मुझे जाना होगा उस कमरे से बाहर। एक पल बाद ही एक सुनसान कोने में खड़ी वह लिजा के रूप में परिवर्तित हो रही थी और फिर किसी छिपकली की भांति खिड़की से सरक गई लिजा। काश जान पाती लिजा की दो आंखें ना जाने कब से उस पर टिकी हैं। ओह नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने अपनी आंखों से श्रेया नाम की इस वैज्ञानिक को लिजा बनते देखा। इसका मतलब अनजाने में ही लिजा का रहस्य जान चुका हूं मैं। लेकिन अब छिपकली की भांति दीवार पर रेंग कर यह कहाँ जा रही है? ओह, वह तो शेखर की तरफ पड़ रही है। उफ, इधर अधर में लटके शेखर के प्राण सूख गए तब जब उफ पर्दा धीरे धीरे फट रहा है। अब मैं नहीं बचूंगा। तभी लिजा वहां पहुंची। लाओ दोस्त, मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओ। शेखर ने अपना हाथ देने के लिए जैसे ही मुंह ऊपर उठाया वैसे ही दोनों को आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा। लिजा, तुम? गुहार कर उठा शेखर। मुझे बचा लो लिजा, चादर फटती जा रही है, मैं गिर जाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम क्या जुर्म करके आ रहे हो। इसका यहाँ इस तरह लटका होना इस बात का घोटा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे बचा लो। शेखर की बात पूरी होने से पहले ही चादर फट चुकी थी और शेखर मौत के रास्ते पर चल पड़ा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने से शर्त उसके परखच्चे उड़ जाने थे। लेकिन शायद अभी शेखर की किस्मत में मौत का मुंह देखना नहीं लिखा था, तभी तो ऐन मौके पर अपनी जीप लेकर आ पहुंचा था बाजीगर और उसमें गिरे शेखर को लेकर दूसरे ही क्षण वहां से 9 तो 11 हो गया था। देखते रहने के सिवा लिजा कुछ नहीं कर सकती थी। ओह, निकल भागे दोनों। तभी लिजा चौंकी। ओह, लोगों की भीड़ इधर ही आ रही है, किसी की निगाह मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। क्या गड़बड़ है इधर? क्या हुआ, क्या हुआ? तुरंत अंधेरे का फायदा उठाते हुए लिजा तेजी से एक तरफ रेंग गई। अरे वह साया सा कैसा? वह तो कोई लड़की लगती है, और देखो तो कैसे छिपकली की तरह रेंग रही है वह। तभी आंधी तूफान की तरह तूफान सा भागता इंस्पेक्टर काले वहां पहुंचा। कहाँ गया हत्यारा? कहाँ गया हत्यारा? अरे वही रहस्यमय लड़की जो दीवार पर छिपकली की तरह रेंग रही थी। फिर तो लोगों ने जो इंस्पेक्टर काले को बताया उसे सुनकर वह स्तब्ध रह गया। दीवार पर रेंगने वाली रहस्यमय लड़की? उफ, मेरी नजर में पूरे विश्व में ऐसी एक ही लड़की और वह लड़की है लिजा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? लिजा किसी का खून कैसे चूसने लगी? ऐसा नहीं हो सकता, लिजा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा हुआ है, सैकड़ों लोगों ने लिजा को अपनी आंखों से देखा है कि वह लिजा ही थी। और अब ये मुझे पता करना होगा कि वह लिजा क्यों थी। क्रोध से फूलने पचकने लगे इंस्पेक्टर काले के जबड़े। रात को जो खबर खास थी वह सुबह होते ही आम हो चुकी थी। एक ही रात में खून चूसने से 4 नेताओं की हत्यारा, एक रहस्यमय लड़की, कौन है वह रक्त चूसने वाला हत्यारिन, ओबेरॉय होटल में नेता कृष्णमेनन की खून चूसने से हत्या, 3 और हत्याएं। श्रेया भास्कर के लिए वह खबर बेहद धमाकेदार थी। ओह, इसका मतलब वह युवक हत्यारा है, और हत्याएं भी वह करता है एक अनोखे तरीके से, खून चूसकर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह खून कैसे चूसता है, और मरने वाले को पता क्यों नहीं चलता कि उसका खून चूसा जा रहा है। अचानक उछल पड़ी श्रेया भास्कर। वह युवक अद्भुत तरीके से सिर्फ खून ही नहीं चूसता बल्कि उसके शरीर से तीखी असहनीय बदबू भी निकलती है। खून चूसना और बदबू छोड़ना, ये सभी गुण तो खटमल में होते हैं। खटमली जब किसी को काटता है तो तब तक किसी को उसका पता नहीं चलता जब तक कि खटमल उसका खून चूस ना चुका हो, और प्रकृति ने खटमल के ही शरीर से तीव्र बदबू छोड़ने का उपहार दे रखा है जिससे वह अपने शत्रुओं से बचाव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस युवक में किसी तरह खटमल प्रवृत्ति आ गई है। अब मुझे उस खटमल को कहीं से भी ढूंढना होगा क्योंकि उसकी वजह से मुझ पर हत्यारिन का कलंक लग चुका है। दृढ़ता से भरा हुआ था श्रेया भास्कर का चेहरा। इधर बाजीगर के शानदार ऑफिस में। तुमने बहुत शानदार काम किया है शेखर, एक दिन में 4 हत्याएं करके तुम मेरे लिए एक नया हथियार साबित हुए। सॉरी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो अपना मेहनताना 4,000 रुपये। 4 हत्याओं के सिर्फ 4,000 रुपये? हाँ, क्योंकि हत्या करके तुमने वह चीज पा ली है तुम्हारे लिए जिसकी कीमत इस डॉलर से ज्यादा है, वह मैं है इंसानी खून। और देखो, आज तुम्हें खून पीना है इसका, इस लड़की का ना, जिसका नाम है श्रेया भास्कर। इसकी हत्या करके तुम मेरी राह के सबसे बड़े रोड़े को हटा दोगे। हा, क्योंकि श्रेया भास्कर ही लिजा है। वैशी बाजी का ठहाका लगा उठा।
अगर शेखर की आंखों में तांडव करते और हिंसक भावों को देख लेता तो उसकी गिग्गी बन जाती। मेरे द्वारा की गई हत्याओं के बल पर उसने लाखों रुपए कमाए और मुझे दिए सिर्फ 4,000 रुपये। ये सारी दौलत मेरी और सिर्फ मेरी हो सकती है और इसे अपनी बनाने के लिए मुझे सिर्फ इसका खून पीना होगा। जैसे सिंह हिरण को झपट्टा मारकर दबोचता है, ठीक वैसे ही शेखर ने दबोचा बाजीगर को और चूस लिया उसके शरीर में मौजूद खून का एक एक कतरा। एक पल बाद ही बाजीगर नहीं, अब शेखर है जुर्म की दुनिया का कुख्यात पेशेवर हत्यारा और मेरे इस पेशे का पहला शिकार होगी श्रेया भास्कर। उसी रात शेखर श्रेया भास्कर के घर पहुंच चुका था। घर के अंदर नींद की गोद में पड़ी श्रेया जान भी नहीं पाएगी कि खटमल ने कब उसे मौत की गोद में पहुंचा दिया। शेखर और खटमल का सोचना गलत था, श्रेया घर में नहीं लिजा के रूप में यहाँ मौजूद थी। मैं तेरी तलाश में निकलने जा रही थी खटमल, मुझे क्या मालूम था कि तू खुद ब खुद मेरे सामने आ पहुंचेगा। यहाँ आकर अब तू अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं लौट पाएगा खटमल। लाइट पोल से नीचे आकूती लिजा उस जीप की हेडलाइट की रोशनी में नहा उठी। रुक जा लिजा, अब तेरी जीप और किसी बेगुनाह का खून नहीं चख पाएगी। कौन? जीप से उतरकर सामने आया काले, इंस्पेक्टर काले। ना ना ना, भागने की कोशिश मत करना हत्यारी लिजा, वरना इस रिवॉल्वर में भरी 6 की 6 गोली तुम्हारे जिस्म में डेरा जमा लेंगी। उफ, सारी दुनिया की तरह आप भी ज़बरदस्त गलतफहमी के शिकार हैं इंस्पेक्टर काले, लेकिन मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी, लेकिन मुझे मौका दीजिए। खटमल श्रेया भास्कर के घर में घुस गया, वह औरों की तरह उसका भी खून पी जाएगा। आप मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज़। सॉरी लिजा, तुम्हारा इस खटमल राग पर मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये मनगढ़ंत बातें। ओह, मेरे पास समय बहुत कम है, इंस्पेक्टर काले को इस तरह नहीं समझाया जा सकता, इसलिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। फड़ाक! अप्रत्याशित ढंग से इंस्पेक्टर काले पर वार कर दिया लिजा ने। लेकिन इंस्पेक्टर काले नाम था उसका, जिसे छलावा भी कहा जाता था। काले से बचकर तू नहीं जा पाएगी लिजा, उफ, क्योंकि अपराधी काले के हाथ से बचकर जा ही नहीं सकता था। उफ, आक्रामक होते जा रहे हैं इंस्पेक्टर काले से, जल्दी निपटना होगा मुझे और इसमें मेरी मदद करेगा ये गटर। नीचे पड़ी लिजा के हाथ गटर के ढक्कन पर जम गए। इधर इंस्पेक्टर काले ने छलांग भरी। अब तू बेहोशी की दुनिया में पहुंचेगी लिजा। सॉरी इंस्पेक्टर, आप मुझे वहां नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, मैं आपको गटर की दुनिया में जरूर पहुंचा दूंगी। थप! अपनी ही झोंक में सीधा गटर में गिरा इंस्पेक्टर काले। लिजा ने फुर्ती से हाथ में थमा ढक्कन गटर के मुंह पर रख दिया और फिर भाग खड़ी हुई। बाहर से लगे गटर के ढक्कन को अंदर से खोलना इतना आसान नहीं है, इसलिए इंस्पेक्टर काले को गटर से निकलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा और मेरे लिए वही थोड़ा समय खटमल से निपटने के लिए काफ़ी होगा। लिजा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। घर के अंदर श्रेया की तलाश में भटकते शेखर पर जैसे बांस के रूप में टूटी लिजा। अब खत्म हुई तेरी तलाश था, और कुछ पलों बाद ही तेरा खेल भी खत्म होगा था। दबोच ली लिजा ने शेखर की गर्दन। कुछ ही पलों में तेरे होशों का साथ छोड़कर भागी चेतना सेंटर जेल में जाकर ही वापस लौटेगी। शेखर को बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने को तत्पर लिजा अचानक चौंक पड़ी। कारण थी वह बदबू जो शेखर के शरीर से निकलने लगी थी। उफ, ये बदबू, एक बार पहले भी ये बदबू मुझे बेहोश कर चुकी है और अब अगर इसका कोई इंतजाम नहीं किया तो मेरा हाल फिर वही होगा। बदबू के चक्कर में जरा सी असावधान हुई लिजा और भुगतना पड़ा उसे उसका फल। था, हट पीछे गंदी छिपकली। हा हा, खटमल की बदबू से अब तेरे होश तेरे शरीर का साथ छोड़कर जाएंगे। उफ, ये बदबू तो सचमुच असहनीय होती जा रही है, क्या करूँ, कैसे बचूँ इससे। अचानक कैरोसिन ऑयल से भरी ये कैन, इस तीक्ष्ण बदबू से शायद ये कोई राहत दिला सके। झपट कर कैरोसिन ऑयल की कैन उठा ली लिजा ने और दे मारी शेखर के सिर पर। भाच! कैरोसिन ऑयल से सराबोर हो गया शेखर का शरीर। इसी के साथ उसके शरीर से निकलती बदबू कम होती चली गई। अब ठीक है, अब तू है, मैं हूँ और है मेरे प्रचंड वार। इस बेलन को कैसे भूल गई लिजा, ये भी तो है। भाक! आह! जबरदस्त ढंग से लिजा की कनपट्टी से टकराया था बेलन, घूम गया था लिजा का सिर और तभी शेखर ने दबोच लिया उसे। तू तो मुझे सिर्फ बेहोशी की दुनिया में पहुंचाना चाहती थी लिजा, लेकिन मैं तुझे मौत की दुनिया में पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं पहुंचाऊंगा तेरे शरीर के खून की एक एक बूंद। आह! रोक ना सकी लिजा शेखर के खटमल शरीर के डंकों को अपने मांस में पैवस्त होने से। उसने स्वयं को शेखर की पकड़ से आजाद करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उफ, इसकी पकड़ से मैं छूट ही नहीं पा रही हूँ और ये खटमल मेरा खून चूस चूस कर मुझे बेदम करने पर तुला हुआ है। आह, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। आह, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। तो क्या वह गैस सिलेंडर कुछ कर पाएगा? वह सिलेंडर तो नहीं, हाँ उसमें भरी LPG गैस जरूर कुछ करेगी। दूसरे ही क्षण लिजा ने अपनी जीभ लंबी करके गैस चूल्हे के से लगा पाइप
गैस पाइप उखाड़ लिया और आह, गैस के हमले ने शेखर को तड़पा डाला और लिजा को छोड़ देना पड़ा उसे। अब लिजा ने कहां देना था संभलने का मौका, ठार, क्योंकि उसे संभलने का अवसर देने का अंजाम लिजा अच्छी तरह से जानती थी। टिशू। खत्म हुआ खटमल का किस्सा। एक पल बाद ही फर्श पर बेहोश पड़ा नजर आ रहा था शेखर और खटमल। इधर अपने भरपूर प्रयासों से आखिर इंस्पेक्टर काले ने सिम को गटर की कैद से मुक्त करा ही लिया। उस घर में गई है लिजा। घर में लिजा नहीं, उसका संदेश मिला। इंस्पेक्टर साहब, खून चूसने वाला हत्यारा आपकी सेवा में हाजिर है। यही पेशेवर हत्यारे बाजीगर के साथ मिलकर हत्यारा हत्याएं कर रहा था, लेकिन इसे विशेष कैद में रखना क्योंकि ये साधारण आदमी नहीं, खटमल है। खटमल लिजा। ओह, मुझे माफ़ करना लिजा, मैंने तुम्हें गलत समझा। इंस्पेक्टर काले भयभीत सी एक तरफ खड़ी श्रेया भास्कर की तरफ पलटा। रिलैक्स मिस श्रेया भास्कर, अब यह खटमल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेहोश शेखर को लेकर चलने को इंस्पेक्टर काले तो बोल उठी श्रेया। इसे संभाल कर रखना इंस्पेक्टर साहब, अगर ये आज़ाद हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। आप चिंता न करें मिस श्रेया, वैसे तो ये खटमल हमारी विशेष जेल से आज़ाद नहीं हो सकता, फिर भी अगर मान लिया जाए कि ये आज़ाद होगी, हो भी जाएगा, तो ये आपका कुछ भी बिगाड़ने यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इसकी दुश्मनी मुझसे और लिजा से, आपसे नहीं। क्यों पाठ को, क्या सचमुच खटमल की दुश्मनी मुझसे नहीं? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स कांतर में। तब तक के लिए धन्यवाद।